स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। आज हम फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो शुरू करने के पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करें आज की क्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन, द प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। एक अचेतन पेशेंट का प्रायोरिटी मैनेजमेंट कौन सा होगा? ए आईवी थेरेपी, बी आईवी मेनिटोल, सी क्लियरेंस ऑफ एयरवे, डी O2 इनहेलेशन। आंसर इज सी एयरवे क्लियरेंस। एक अनकॉन्शियस पेशेंट का प्रायोरिटी मैनेजमेंट एयरवे को क्लियर करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कलेक्टिंग डाटा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस इट इज अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड व्हाट। किसी पेशेंट का प्रेजेंट इलनेस पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो कलेक्ट में डाटा कलेक्शन में अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा रहेगा? ए क्रोनिक चाइल्डहुड इलनेस, बी ऑब्जर्वेबल साइन एंड सिम्टम्स, सी रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, डी करेंट मेडिकेशन। आंसर इज डी करेंट मेडिकेशन। पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट की जा रही है प्रेजेंट इलनेस पर, तो प्रेजेंट में पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशन इलनेस पर चल रही है यह डाटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट वन मोस्टली यूजेस टू आइडेंटिफाई एक्चुअल हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर सही तरीके से हाइपोथर्मिया की कंडीशन पता करने के लिए कौन सा रूट का इस्तेमाल किया जाता है? ए ओरल, बी ओरल, सी रेक्टल, डी सरफेस प्रो। आंसर इज सी रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज कंसर्न डेट ए पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। विच डिजीज डज द पेशेंट हैव डेट हैज कॉज दिस कंसर्न। एक पेशेंट जिसे हाइपरकैलेमिया होने के चांस है, कौन सी डिजीज की वजह से ये हो सकता है? ए क्रोन्स, बी कुशिंग, सी एंड स्टेज रेनल, डी गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। आंसर इज सी एंड स्टेज रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज लॉन्च विद द एम ऑफ फर्दर इंप्रूव्ड हेल्थ इन रूरल एरिया। द मेन फंक्शनरी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन दिस प्रोग्राम इज। NRHM लॉन्च किया गया ग्रामीण एरिया के अंदर, तो उसके अंदर मेन हेल्थ वर्कर कौन है? ए एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, बी पब्लिक हेल्थ नर्स, सी आशा, डी लेडी हेल्थ विजिटर। आंसर इज सी आशा। आशा NRHM के अंदर मेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन एडमिशन ऑफ ए प्रीमी ग्रेविडा इन लेबर। प्रीमी ग्रेविडा वह वुमेन जो पहली बार मां बनती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा? एक मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, बी आस्किंग द पेशेंट व्हेन सी एट लास्ट, सी ऑब्टेनिंग द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री, डी डिटरमाइनिंग इफ द मेम्ब्रेन हैव रप्चर। आंसर इज
आंसर इज ए मोनिटर द फीटल हार्ट रेट। कोई भी फीमेल जो फर्स्ट टाइम पे माँ बनती है अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज बीन एडमिटेड विद न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। पेशेंट जिसे अभी हाल डायबिटीज इंसिपिडस डायग्नोसिस हुआ है तो नर्स उसके लिए कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस करेगी। ए फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट, बी एंजाइटी, सी अल्ट्रेशन इन कंफर्ट, डी इम्पेयर्ड गेज एक्शन। आंसर इज ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर पोस्टीरियर ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। इसके होने का रीजन है या तो हेड इंजरी हो गई या पिट्यूटरी ट्यूमर या क्रेनियोटोमी, कोई भी एक कारण जिसकी वजह से या तीनों ही कारण जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH का सिक्रेशन कम हो गया। ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन, ADH की कमी की वजह से रेनल ट्यूबल्स के अंदर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता और इसकी वजह से पेशेंट को पोलियूरिया के सिम्टम्स नजर आते हैं। पेशेंट को एक दिन के अंदर 20 लीटर यूरिन पर डे के हिसाब से यूरिन पास होता है। पेशेंट की यूरिन की ओस्मोलारिटी गिर जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्यास लगती है, पेशेंट का टेकीकार्डिया हो जाता है और बीपी कम हो जाता है। अगर डायबिटीज इंसिपिडस पर डायग्नोसिस बनाया जाए तो मॉनिटर फ्लूड, रिप्लेस फ्लूड, न्यूरो स्टेटस, वाइटल साइन और म्यूकस मेम्ब्रेन इसके लिए डायग्नोसिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू इंड्यूस लेबर इज। लेबर को इंड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग ली जाती है। ए ऑक्सीटोसिन, बी इर्गोमेट्रिन, सी टर्बुटलाइन, डी डुवेटलाइन। आंसर इज ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रेक्शन यूटरस में कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। द नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ विच डायग्नोसिस टेस्ट दैट विल कंफर्म दिस डायग्नोसिस। पेशेंट एडमिट हुआ और उसको ट्यूबरकुलोसिस है, यह कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट सुटेबल रहेगा। ए ब्रोंकोस्कोपी, बी स्पुटम कल्चर, सी चेस्ट एक्सरे, डी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। आंसर इज स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फॉर TB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज ए टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर दिस पेशेंट आफ्टर सर्जरी। एक पेशेंट जिसे टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में नर्स का क्या रोल रहेगा। ए यूज अ पिलो टू कीप द लेग अबडक्टेड, बी एलिवेट द पेशेंट अफेक्टेड लिम्ब ऑन ए पिलो, सी टर्न द पेशेंट यूजिंग द लॉग रोलिंग टेक्निक, डी प्लेस ए ट्रोकेंटर रोल अलोंग द एंटायर एक्सट्रीमिटी। आंसर इज ए यूज अ पिलो टू कीप द लेग अबडक्टेड।
अर्थोप्लास्टी एक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन या जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट किया जाता है। इन द पोस्ट ऑपरेटिव हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट इज टू कीप द लेग इन अलाइनमेंट विद द हिप। अर्थोप्लास्टी हिप के अर्थोप्लास्टी के बाद प्रोसीजर के बाद सर्जरी के बाद पेशेंट के हिप और लेग को एक अलाइनमेंट में बनाए रखना जरूरी होता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कैन कोज मिस अलाइनमेंट ऑफ द न्यूली रिप्लेसमेंट हिप ज्वाइंट। An abduction pillow is often used to actually keep the leg slightly apart. पेशेंट के लेग को हिप से लेग को अलाइनमेंट को बनाने के लिए पेशेंट के पैरों के बीच में एक पिलो को प्लेस किया जाता है जो पैरों को एक दूसरे से दूर रखता है और अलाइनमेंट मेंटेन करता है। पेशेंट जिसे हिप की प्रॉब्लम है तो हिप की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को हिप ज्वाइंट ट्रांसप्लांट रिप्लेसमेंट किया गया है और रिप्लेसमेंट के बाद पोस्ट प्रोसीजर के बाद नर्स का रोल हो जाता है कि दोनों पैर के बीच में पेशेंट के एक पिलो प्लेस करे जो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बनाए रखे और किसी भी प्रकार के मूवमेंट को रोक के रखे जिससे अलाइनमेंट बिगड़े नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज सिक्रेट बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है? ए ग्रोथ हार्मोन, बी प्रोलैक्टिन, सी एसीटीएच, डी एडीएच जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।